हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया। पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया। पोलन पिस्टिल इंट्रैक्शन। क्या होता है पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया? तो देखिए, जब परागण की क्रिया होती है तो पराग कण जो होते हैं वो वर्तिका ग्रह पर पहुंचते हैं। अब पहुंचे हुए पराग कण वर्तिका ग्रह पर एक रासायनिक और अनुवांशिक क्रिया होती है जिससे उस पराग कणों का चयन किया जाता है। अगर पराग कण उसी पादप जाति के हैं तो उन पराग कणों को स्वीकार कर लिया जाता है और ये पराग कण इस वर्तिका ग्रह पर अंकुरित होते हैं, जिसके फलस्वरूप एक पराग नली बनती है और ये पराग नली इस वर्तिका में वृद्धि करती है। तो पहला इसका पद क्या रहेगा कि पराग कणों का वर्तिका ग्रह पर अंकुरण, दूसरा पराग नलिका का वर्तिका में वृद्धि, तीसरा ये पराग नलिका अंडाशय से होती हुई बीजांड में प्रवेश करती है। तो पराग नलिका का अंडाशय से बीजांड में प्रवेश और बीजांड के बाद में ये पराग नली कहाँ पहुँचती है? भ्रूण कोष में पहुँचती है। तो पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश, ये सारी प्रक्रियाएं जो होती हैं वो पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया के तहत आती है। ठीक है ना, पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया एक गतिक प्रक्रम है, एक गतिक प्रक्रम है जिसमें निम्न पद सम्मिलित हैं। कौन कौन से पद आते हैं इसके अंतर्गत? देखिए, नंबर एक पराग कणों का वर्तिकाग्रह पर अंकुरण। सबसे पहले पराग कणों का वर्तिकाग्रह पर अंकुरण, ये क्या है? ये है वर्तिकाग्रह। ये क्या है? ये है पराग कण। यहां से लेकर यहां तक ये क्या है? ये वर्तिका। और ये फूली हुई संरचना क्या कहलाती है? अंडाशय। अंडाशय के अंदर बीजांड और बीजांड के अंदर भ्रूणकोश। ठीक है, तो सबसे पहला पद कौन सा हुआ? पराग कणों का वर्तिकाग्रह पर अंकुरण, यानी कि परागण क्रिया के दौरान जब पराग कण वर्तिकाग्रह पर गिरते हैं तो ये वर्तिकाग्रह पर पराग कण अंकुरित होते हैं, यानी कि इनसे पराग नलिका निकलती है। दूसरा, पराग नलिका का वर्तिका में वृद्धि, कैसे? जब इन पराग कणों के अंकुरण से पराग नलिका निकलती है, ये पराग नलिका इस वर्तिका में क्या करती है? वृद्धि करती है, जिससे ये कहाँ पहुँच जाती है? अंडाशय में, और अंडाशय से होती हुई बीजांड में, और बीजांड से होती हुई भ्रूण कोष में पहुँचती है, जिससे ये पराग नलिका भ्रूण कोष में पहुंचने पर इस पराग कण के अंदर उपस्थित नर युग्मक जो होते हैं वो भ्रूण कोष के अंदर पहुंचते हैं।
तीसरा क्या रहेगा, पराग नलिका का, पराग नलिका का अंडाशय से बीजांड में प्रवेश, बीजांड में प्रवेश, ये पराग नलिका वृद्धि करती हुई वर्तिका से होती हुई अंडाशय से होती हुई किस में प्रवेश करती है, बीजांड में प्रवेश करती है, और बीजांड से किस में प्रवेश करती है, भ्रूण कोष में। तो चार नंबर पद क्या रहेगा इसका, पराग नलिका का भ्रूण कोष में प्रवेश, ठीक है ना। तो ये सारे पद जो होते हैं वो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया के तहत आते हैं। तो देखिए कि सबसे पहले अपन देखते हैं पराग कणों का वर्तिकाग्रह पर अंकुरण, यानी कि ये वर्तिकाग्रह पर कैसे पराग कणों का अंकुरण होता है। नंबर एक, पराग कणों का वर्तिकाग्रह पर अंकुरण। देखिए जब परागण की क्रिया होती है, परागण की क्रिया कब होती है, जब नर युग्मकोद्भिद और मादा युग्मकोद्भिद परिपक्व हो जाते हैं, उसके बाद में जब परागण की क्रिया होती है तो विभिन्न माध्यमों से पराग कण जो होते हैं वो वर्तिकाग्रह तक पहुंचते हैं। इस वर्तिकाग्रह पर एक ही जाति के पराग कण या फिर दूसरी जाति के पराग कण गिर सकते हैं या पहुंच सकते हैं। ऐसी स्थिति के अंदर इन पराग कण और इस वर्तिकाग्रह के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है। ये क्रिया जो होती है उनमें रासायनिक और अनुवांशिक गुणों के आधार पर होती है। किनके मध्य, पराग कणों के मध्य और वर्तिकाग्रह के मध्य, ठीक है। इस क्रिया के अंदर अगर पराग कण उसी जाति का है तो इस पराग कण को वर्तिकाग्रह द्वारा स्वीकार कर लिया जाएगा। अगर ये पराग कण उसी जाति का नहीं है तो उसे अस्वीकार कर दिया जाएगा। पराग कण अगर उसी जाति का है तो वर्तिकाग्रह द्वारा क्या कर लिया जाएगा, स्वीकार कर लिया जाएगा। और ऐसी स्थिति में ये पराग कण वर्तिकाग्रह से पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा। ऐसी अवस्था में ये पराग कण वर्तिकाग्रह से पोषक पदार्थों को अवशोषित करेगा। पोषक पदार्थ में शर्करा, लिपिड्स, बोरॉन, मैग्नीज आदि पोषक पदार्थ होते हैं, और इससे पराग नलिका निकलेगी, इससे पराग नलिका निकलेगी। परागण क्रिया के द्वारा, परागण क्रिया के द्वारा, परागण क्रिया के द्वारा पराग कण वर्तिकाग्रह तक पहुँचते हैं। वर्तिकाग्रह तक पहुँचते हैं, इसमें एक ही जाति के पराग कण, एक ही जाति के पराग कण या दूसरी जाति के पराग कण, दूसरी जाति के पराग कण परागण क्रिया द्वारा वर्तिकाग्रह तक पहुंच सकते हैं। वर्तिकाग्रह तक पहुंच सकते हैं जब परागण की क्रिया होती है तो इस वर्तिकाग्रह पर उसी जाति के पराग कण भी गिर सकते हैं और दूसरी जाति के पराग कण भी गिर सकते हैं।
इस परागण क्रिया के अंदर एक ही जाति की वर्तिकाग्रह पर उसी जाति के परागकण भी गिर सकते हैं और दूसरी जाति के परागकण भी गिर सकते हैं, ठीक है। इसलिए इनके मध्य यानी कि स्त्री केसर और परागकणों के मध्य क्या होती है, पारस्परिक क्रिया होती है, ठीक है। ये क्रिया इनके रासायनिक और अनुवांशिक गुणों के द्वारा होती है, ये क्रिया इनमें रासायनिक और अनुवांशिक गुणों के द्वारा होती है। इसलिए इन पराग कणों व वर्तिकाग्र के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है, जिसके द्वारा उसी जाति के परागकणों को उसी जाति के परागकणों को पहचाना जाता है, पहचाना जाता है। यह पारस्परिक क्रिया, यह पारस्परिक क्रिया इनके रासायनिक व अनुवांशिक गुणों द्वारा होती हैं, आनुवांशिक गुणों द्वारा होती हैं। क्या होती हैं, जैसे ही परागण क्रिया होती है, जैसे ही परागकण वर्तिकाग्र पर गिरते हैं तो वर्तिकाग्र और परागकणों के मध्य पारस्परिक क्रिया होती है उनकी रासायनिक और आनुवांशिक गुणों के आधार पर। दूसरी बात, जब परागण क्रिया के द्वारा पहुंचे पराग कण उसी जाति के हैं, उसी जाति के हैं, तो उसे वर्तिकाग्र द्वारा स्वीकार कर लिया जाता है, स्वीकार कर लिया जाता है। अगर पहुँचे हुए पराग कण उसी जाति के हैं तो इस स्त्री केसर पराग पारस्परिक क्रिया के द्वारा उस पराग कणों को स्वीकार कर लिया जाता है। इस वर्तिकाग्र और पराग कण के मध्य जो पारस्परिक क्रिया होती है उस क्रिया में उन पराग कणों को स्वीकार कर लिया जाता है जो उसी जाति के हैं, तथा दूसरी जाति के पराग कणों को अस्वीकार कर लिया जाता है, परागकणों को अस्वीकार कर दिया जाता है। अगर परागकण उसी जाति के नहीं हैं, दूसरी जाति के परागकण हैं, तो ये वर्तिकाग्र द्वारा अस्वीकार कर दिए जाते हैं, जिससे ये परागकण अंकुरित नहीं होते, ठीक है ना। जिससे दूसरी जाति के पराग कण अंकुरित नहीं होते, अंकुरित नहीं होते, ठीक है। अब जिन परागकणों को स्वीकार कर लिया जाता है, ये परागकण पोषक पदार्थों की उपस्थिति में
उस वर्तिका ग्रह पर अंकुरित होते हैं। स्वीकार किए गए परागकण वर्तिका ग्रह पर आर्द्रता व पोषक पदार्थों की उपस्थिति में पोषक पदार्थों जैसे शर्करा, लिपिड्स, बोरॉन, मैग्नीज की उपस्थिति में स्वीकार किए गए परागकण वर्तिका ग्रह पर आर्द्रता और पोषक पदार्थों की उपस्थिति में अंकुरित होते हैं। अंकुरित होते हैं और इनसे पराग नलिका निकलती है। पराग नलिका निकलती है। अगर पराग कण उसी जाति के हैं तो पराग स्त्री केसर पारस्परिक क्रिया में इन पराग कणों को स्वीकार कर लिया जाता है और ये पराग कण पोषक पदार्थों की उपस्थिति में इस वर्तिका ग्रह पर अंकुरित होते हैं और इनसे पराग नलिका निकलती है। क्या निकलती है? पराग नलिका निकलती है। सामान्यतया एक पराग कण से एक पराग नलिका ही निकलती है, लेकिन कुछ पराग कणों के अंदर एक से अधिक पराग नलिका निकल सकती है। क्यों? क्योंकि पराग कण पर एक से लेकर तीन जनन छिद्र होते हैं और जनन छिद्रों से पराग नलिका निकलती है, तो एक पराग कण से तीन पराग नलिका निकल सकती है। सामान्यतया एक पराग कण से एक ही पराग नलिका निकलती है, एक ही पराग नलिका निकलती है। सामान्यतः एक पराग कण से एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन कुछ पराग कणों में एक से अधिक पराग नलिका निकलती है। कुछ पराग कणों में एक से अधिक पराग नलिका निकलती है, एक से अधिक पराग नलिका निकलती है। लेकिन एक ही पराग नलिका क्रियाशील रहती है। जब एक से अधिक पराग नलिका निकले उनमें से भी एक ही पराग नलिका है वो क्रियाशील होती है और वो ही पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती है, लेकिन इनमें से एक पराग नलिका क्रियाशील होती है, क्रियाशील होती है। तो पराग कण अंकुरित कब होते हैं? जब पराग स्त्री के सर पारस्परिक क्रिया के अंदर पराग कण अगर उसी जाति के हैं तो पराग कण क्या हो जाते हैं? अंकुरित होते हैं।
अंकुरित होने पर परागकणों से क्या निकलती है, पराग नलिका निकलती है। एक पराग कण से कितनी पराग नलिका निकलती है, सामान्यतः एक ही पराग नलिका निकलती है, लेकिन कुछ पराग कणों के अंदर एक से अधिक पराग नलिका निकलती है, लेकिन इनमें से एक ही पराग नलिका क्रियाशील होती है, बाकी वाली पराग नलिका क्रियाशील नहीं होती है। तो पराग स्त्रीकेसर पारस्परिक क्रिया के अंदर पराग कणों का वर्तिकाग्र पर अंकुरण इस प्रकार से होता है। अगर परागण क्रिया के दौरान उसी जाति के पराग कण उस वर्तिकाग्र पर पहुँचते हैं तो पराग कण वर्तिकाग्र के पारस्परिक जो क्रिया होती है, ये क्रिया रासायनिक और अनुवांशिक गुणों के आधार पर होती है इनके, और इसमें इन पराग कणों को उसी जाति के पराग कणों को स्वीकार कर लिया जाता है और ये पराग कण इस वर्तिकाग्र से पोषक पदार्थ ग्रहण करते हैं, जिससे ये पराग कण अंकुरित होते हैं, यानी कि इन पराग कणों से पराग नलिका निकलती है। वर्तिकाग्र पर एक से अधिक पराग कण अंकुरित हो सकते हैं, लेकिन उनमें से एक ही पराग कण की पराग नलिका वर्तिका में वृद्धि करती है, ठीक है। और एक ही पराग कण से अधिक पराग नलिका निकल सकती है, लेकिन इनमें से एक ही पराग नलिका जो होती है वो क्या करती है, वर्तिका में वृद्धि करती है।